क्लास थ्री का यूनिट सिक्स ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है इंग्लिश का सिक्स यूनिट। सो बेसिकली इस चैप्टर में ट्रैफिक लाइट्स के बारे में डिफरेंट स्टोरीज, पोएम्स एंड एक्टिविटीज होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्टिविटी वन से। एज यू कैन सी हियर एक्टिविटी वन, क्या लिखा है पहले पढ़ो। स्टडी द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइन को पहले स्टडी कर लो, उनके मतलब भी समझ लो। यू हैव टू आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर यू सी दिस साइंस। सो पहले एक बार आपको ध्यान से देखने हैं जितने भी ट्रैफिक साइंस दिख रहे हैं। फिर आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है, वहां पर लिखना है कि ये ट्रैफिक साइंस आपने देखे तो कहां पर देखे। ठीक है, जैसे पहला वाला देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक मिस्टेक है यहाँ पर, 1 to 12 है और यहाँ पर 8 के बाद 9 नंबर नहीं दिया, सीधा 10 दे दिया है। सो प्लीज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। पहला जो है वो है नो पार्किंग का सिंबल, मतलब पार्किंग करना मना है। सेकेंड है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, इसका मतलब है ना तो खड़े रहो ना तो रुको, इसका मतलब है कंटिन्यूस आगे जाते रहो, इसका मतलब है कंपलसरी लेफ्ट में चलाते रहो, इसका मतलब है कंपलसरी टर्न लेफ्ट में लो, राइट में टर्न नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है 6 नंबर में कंपलसरी राइट ही टर्न लेना है, आगे कोई लेफ्ट टर्न नहीं है। यहाँ जो आगे लिखा है ये जो सिंबल है, थोड़ा सा आगे जाके टर्न ले रहा है, मतलब आगे जाके राइट लो, थोड़ा आगे जाओ और राइट टर्न आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर नंबर 8 में लिखा है आगे जाके लेफ्ट लीजिए। नंबर 10 में लिखा है कंपलसरी या तो आगे जाइए या तो लेफ्ट लीजिए, कंपलसरी। 11 नंबर में लिखा है कंपलसरी या तो आगे जाओ या तो राइट लो, देर इज नो लेफ्ट टर्न, ये सिंबल का मतलब है 11 नंबर का। 12 नंबर का जो सिंबल है साइकिल रखी हुई है, साइकिल ट्रैक, जनरली बहुत सारी जगहों पे जो साइकिल की रोड होती है वो लिखा है कि ये ट्रैक सिर्फ साइकिल के लिए है। ये आपने देखा होगा कंपलसरी साउंड हॉर्न के, कहीं जगह पर आप हाईवे पे जा रहे हो हॉर्न मारना जरूरी है अगर आपके आगे कोई बड़ी सी गाड़ी चल रही है, जनरली मैंने ट्रक के पीछे देखा है। सिंबल लिए जैसे नंबर 3 तो दिया हुआ है, फिर मैंने लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1, 1 में लिखा है, मैंने लिखा नो पार्किंग सिंबल, तो मैंने कहाँ पर देखा है, मेरी सोसाइटी के मेन गेट के बाहर नो पार्किंग, वहां पर कोई भी गाड़ी बाइक साइकिल पार्क नहीं करना है। देन मैंने नंबर 2 वाला लिया है पिक्चर, जिसका मतलब है नो स्टॉप और स्टैंड। नेशनल एक्सप्रेस वे, वडोदरा तो अहमदाबाद जा रहा था तो वहां पर ये था, मतलब एक्सप्रेस वे पर ना तो रुकना मना है ना तो खड़े रहना मना है, चलते रहो या तो आप टर्न ले लो। नंबर 6 पे लिखा है टर्न राइट, इट इज कंपल्सरी, हाईवे पे ही देखा है मैंने कि टर्न राइट लो, और कोई टर्न है ही नहीं। नंबर 4 का जो सिंबल है कीप लेफ्ट, लेफ्ट पे चलाए रखो, ये नेशनल एक्सप्रेस वे पर है, अलग अलग वेज होते हैं जहां पर लिखा होता है कि ये आपको लेफ्ट में ही चलाना है, राइट पे जाओगे तो कोई और गाड़ी आपको क्रश करके जा सकती है। 11 नंबर अहेड और राइट टर्न, या तो आगे जाओ या तो राइट टर्न लो, ये मैंने मेरे सिटी में वडोदरा में देखा हुआ है कई कई जगहों पर। 12 नंबर है साइकिल ट्रैक, कमाटी गार्डन, और भी आप लोगों ने कहीं और देखा होगा, मैंने लेकिन कमाटी गार्डन में जाता हूँ सो मैंने ये देखा है। साउंड हॉर्न, जनरली ट्रक और टेम्पो के पीछे लिखा होता है हाईवे पे, लिखते हैं ना साउंड हॉर्न, प्लीज प्लीज हॉर्न लिखा होता है कि आगे जाना है तो हॉर्न दबाइए और आगे जाइए। सो ये है पेज नंबर 39। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। सिंग दिस राइम इन कोरस। कोरस मतलब एक्चुअली ग्रुप में, अब मेरे पास कोई ग्रुप तो है नहीं, बच्चे लड़के लड़कियां जो साथ में गाते हो, सो मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता लेकिन आई विल ट्राई। इधर यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक पोएम है, इट इज अबाउट ट्रैफिक लाइट्स, ये तीनों लाइट्स के बारे में। आई एम स्टार्टिंग, रेड लाइट व्हाट डू यू से, रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप 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 राइट अवे। सो पहली जो 4 लाइन्स है वो रेड लाइट के बारे में, रेड लाइट तुम क्या कहते हो, हम रेड लाइट को पूछ रहे हैं, अरे भाई तू क्या कह रहा है बोल तो सही, तो रेड लाइट बोलता है भाई मेरा लाइट, मेरा एक ही चीज कहना है स्टॉप स्टॉप। ट्रैफिक में रेड लाइट आपको दिख जाए मतलब गाड़ी को रोक दो, आगे जाओ नहीं तो खतरा है तुम्हारे लिए। सेकेंड है ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट व्हाट डू यू मीन, आई मीन वेट वेट टिल द लाइट गोज ग्रीन। ओह राइमिंग है यार मस्त, देखो मैंने भी राइम करना शुरू कर दिया। ऑरेंज लाइट व्हाट डू यू मीन, आई मीन वेट वेट टिल द लाइट गोज ग्रीन। ओ हो, मेरी लाइट जब चालू हो जाए तो मतलब वेट करो, अभी आगे जाऊं नहीं क्योंकि मेरे बाद ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, ग्रीन सिग्नल। तो लास्ट में है
ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो एंड गो राइट अवे। थ्री लाइंस की राइमिंग पोएम है लास्ट में। सो ग्रीन लाइट कहता है जब मैं चालू हो जाऊं, मतलब आप अब जाओ, सीधे सीधे निकल लो, मतलब सीधे राइट, जहां पर भी उसी रोड पे जाना है। सो रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, ऑरेंज का मतलब है वेट, एंड ग्रीन का मतलब है जाओ, आगे जाओ। सो ये थी राइमिंग पोएम। अब है एक्टिविटी 3। मुझे कुछ दिख रहा है, ट्रैफिक पुलिस। ओहो, और ये भाई साहब तो एकदम अच्छा वाला हेलमेट पहन के पुरानी बजाज लेकर आए हैं। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? लिसन टू योर टीचर एज शी रीड्स द स्टोरी। जैसे आपके टीचर स्टोरी रीड करते हैं, पहले सुनो, फिर आप भी साइलेंटली उनके साथ साथ रीड करो। रीड अलाउड सम पार्ट एज डायरेक्टेड बाई योर टीचर। कुछ पार्ट्स आपको बोला जाएगा रीड लाउडली करने के लिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे तो आपको करने हैं। बच्चों ये जो स्टोरी है उसका नाम है ट्रैफिक लाइट्स। क्या है? ट्रैफिक लाइट्स। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लाइन में। ऑन ए बिजी क्रॉस रोड देयर वर 3 ट्रैफिक लाइट्स, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। एक्चुअली में ये कहाँ पर लगाया जाता है, ये तीनों लाइट्स कहाँ पर लगाई जाती है? ओनली ट्रैफिक वाले रोड पे, ज़्यादातर ट्रैफिक होता है वहीं पर लगाते हैं, वरना ज़रूरत क्या है इसकी? ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। 3 लाइट्स थी, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। बच्चों आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। बच्चों मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे पिंक है, ग्रीन है, जितने भी ये लाइट ग्रीन है, मतलब ये जो आप पैरट ग्रीन देख रहे हैं, वो सब सेंटेंस किसी ने कहे हैं, जैसे लाइक सेड बाय ग्रीन, सेड बाय ऑरेंज, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि ये सेंटेंस किसने कहा है, हु सेड टू हुम, फाइंड आउट करने के लिए इजी रहे। और जो पिंक मैंने किया है वो हार्ड वर्ड्स समझो आप, न्यू वर्ड्स समझो आप, आपके लिए है। आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास है। जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है इंग्लिश में तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है विथ 1 कॉमा एंड देन लिखते हैं लास्ट में सेड, जिसका भी नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से, तो चलिए पढ़ते हैं। देर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड टूडे, सो मैनी कार्स स्कूटर्स रिक्शॉज एंड बसेस, सेड रेड। रेड बोलता है, ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज। रेड कहता है आज तो बहुत ट्रैफिक है रोड पे, कितने कार स्कूटर रिक्शाज है। तो ग्रीन बोलता है वी हैव टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम, हमें इनको कंट्रोल करना है। जस्ट देन ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर केम अप टू द लाइट्स एंड स्विच देम ऑन। सुबह सुबह में जब ट्रैफिक शुरू हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसको चालू कर देते हैं। दे हैड ग्रेट फन टुगेदर। अब ये तीनों आपस में फन करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलते रहेंगे, कैसे दिखते हैं। दे एंजॉयड स्टॉपिंग द व्हीकल्स, लेटिंग द पीपल क्रॉस एंड देन अलाउिंग द व्हीकल्स टू गो। देखो रेड क्या करता है, सबको रोक देता है, सारे व्हीकल्स को रोक कर जो रेड है ये बहुत मजा लेता है, फिर ग्रीनों को जाने देता है, ऑरेंज उनको वेट करवाता है। आगे लिखा है ब्लिंक 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 दे वॉन्ट, और हम लोग पूरे दिन ब्लिंकिंग करते रहते हैं। दे वर्क हार्ड ऑल डे एंड बाई नाइट दे वर रियली टाइट, सो दे वर ग्लैड टू बी स्विच ऑफ। पूरे दिन बेचारे काम करते रहते, रात को तो उनको आराम मिलना चाहिए, इसलिए रात को इनकी स्विच को बंद कर दिया जाता है जब ट्रैफिक नहीं होता है। जब ट्रैफिक बहुत है तभी तो इनकी जरूरत है, अदरवाइज इनकी क्या जरूरत। आगे देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है इट हैज बीन सच अ बिजी डे, सेड ऑरेंज। ऑरेंज कहता है यार आज तो बहुत बिजी दिन रहा, आई वॉन्ट टू रेस्ट नाउ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तो अपना हाथ ऊपर करके रेड कलर बोलता है बिजी, आस्क्ड रेड रेजिंग हिज आईब्रोज। रेड कलर अपनी आईब्रोज को ऊपर करके बोलता है बिजी था आज। तो ग्रीन हंसते हंसते बोलता है अरे बिजी भी था एंड टायर्ड भी था, थकावट भी बहुत हो गई है। ऑरेंज वॉज पजल्ड एट देयर क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन ही आस्क्ड। ऑरेंज ने बोला क्या यार आप लोग हंस रहे हो, एक हंस रहा है एक थक गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों की बातों से। हे व्हाट डिड यू डू टू गेट सो टायर्ड, आस्क्ड रेड। रेड ने पूछा तू थक कैसे गया भाई, तुझे थकान कैसे लग रही है। रेड स्टॉप द कार्स एंड आई लेट द गो, तू सबको रोकता है मैं जाने देता हूँ, रोकता है जाने देता हूँ, यही करते तो थक जाते हैं पूरा दिन एक ना एक काम कर करके। फिर ऑरेंज रोते हुए बोलता है, इधर लिखा है क्राइड ऑरेंज, बट आई केम ऑन बिटवीन यू टू, मैं तुम दोनों के बीच में आ जाता हूँ ना उनको रोके रखने के लिए। सो रेड मॉक्ड करता है और बोलता है ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तू क्या रोकेगा भाई, रोका तो मैं हूँ, तू तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रोकता है, उसमें क्या बड़ी बात कर दी तूने। ग्रीन शाउट करके बोलता है वी डोंट नीड यू, यू आर यूजलेस।
अभी क्या है कि रेड और ग्रीन की दोस्ती एकदम पक्की है और वो लोग ऑरेंज कलर को अकेला कर देते हैं और बोलते हैं कि जा ना यार, तेरा कुछ काम नहीं है, हम दोनों ही संभाल लेंगे ट्रैफिक को, जा जा, यू आर यूजलेस, तो कोई काम का नहीं है। ऑरेंज फेल्ट हर्ट, ऑरेंज को तो दुख लग गया भाई, दुखी हो गया ऑरेंज एंड मिसरेबल। दैट नाइट ही केप्ट रिमेंबरिंग व्हाट रेड एंड ग्रीन हैज सेड। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है मिसरेबल, जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। आज उसको मजा नहीं आया विथ ग्रीन एंड रेड, उसको अकेला महसूस हो रहा था। सो उस रात को वो सारी बातें याद करता रहा जो रेड और ग्रीन ने उसे सुनाई। फिर आगे है, आई एम रियली यूजलेस ही थॉट एट लास्ट, वाई शुड आई वर्क देन। ये सोचता रहा कौन, ऑरेंज लाइट, क्या मैं रियली में यूजलेस हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, हा? तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ इन लोगों के बीच में। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन, ऑरेंज डिड नॉट वर्क। ऑरेंज का मूड नहीं था भाई दूसरे दिन, तो ऑरेंज तो सो ही रहा था कि मैं आज जलूंगा नहीं, सिर्फ रेड एंड ग्रीन दोनों ही मेरा काम कर लेंगे। आफ्टर अ व्हाइल देयर वाज क्योस ऑन द बिजी रोड। क्योस मतलब एकदम चारों तरफ गाड़ियां, स्कूटर्स, एकदम भीड़। क्योस मतलब हॉचपॉच हो गया था। ट्रैफिक केम टू अ हॉल्ट व्हेन द लाइट सडनली टर्न रेड। अचानक से होता क्या था, ट्रैफिक केम टू अ हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रुकावट आ रही थी लोगों में, प्रॉब्लम हो रही थी। ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, मतलब रेड मतलब अचानक से रुक जाओ, ग्रीन मतलब अचानक से भागने लगो। बीच में जो टाइम मिलना चाहिए लोगों को गाड़ी चालू करने का, गियर में डालने का, थोड़ा सा बीच में जो सेकंड्स मिलते वो मिलना बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग। आगे लिखा है, देन सडनली टर्न ग्रीन, देर वॉज मोर कन्फ्यूजन। लोगों में कन्फ्यूजन होने लगा, रेड फिर ग्रीन। पेडेस्ट्रियन रेन हियर एंड देयर, हॉन्ग हॉन्ग ड्राइवर्स केप्ट हॉन्किंग एंग्रीली। पेडेस्ट्रियन मतलब जो लोग पैदल चलते हैं, वो रोड क्रॉस करते हैं, वो चलते हुए लोग, उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। लोग ड्राइवर्स हॉर्न मारते रहे, पूरा दिन हॉन्किंग करते रहे। टू टॉप इट ऑल, सम काउस केम टू द मिडल ऑफ द रोड एंड सेटल डाउन मेरिली च्यूइंग द कर्ड। लो इसी दौरान कुछ गाय काउस रोड पे आके बैठ गई मेरिली, मतलब शांति से अपने खाना चबा रही थी। अ स्कूटरिस्ट स्कीड एंड हैड अ नेस्टी फॉल व्हेन द रेड लाइट सडनली वेंट ऑफ। अचानक क्या हुआ, रेड लाइट बंद हो गई थी तो स्कूटर वाला तो गिर गया बेचारा, क्योंकि उसको तो जल्दी थी जाने की, और बीच में गाय आके बैठ गई थी तो वो तो स्लिप्ड, स्कीड मतलब फिसल गया, चोट आई, नेस्टी मतलब भारी भरकम चोट आई, बहुत नुकसान हो गया बेचारे का। व्हेन द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रियलाइज दैट ऑरेंज वॉज नॉट वर्किंग, ही सेड व्हाई इजंट ऑरेंज वर्किंग। ट्रैफिक पुलिस ने देखा यार ये सब क्यों हो रहा है, उसने ऊपर देखा, अरे ऑरेंज लाइट तो चल ही नहीं रही है। उसने सोचा ये ऑरेंज लाइट क्यों काम नहीं कर रही है, उसने सोचा, बहुत सोचा। विदाउट ऑरेंज हाउ कैन आई कंट्रोल द ट्रैफिक, उसने सोचा कि यार ऑरेंज के बिना तो मैं ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करूं। लेट मी स्विच देम ऑफ नाउ एंड चेक अगेन इन द इवनिंग, चलो मैं उनको बंद कर देता हूं आज, शाम को चेक करूंगा ऑरेंज लाइट को क्यों नहीं चल रही थी। रेड एंड ग्रीन हर्ड द ऑफिसर्स वर्ड्स, रेड और ग्रीन ने दोनों ने सुन लिया ऑफिसर जो भी बोल रहा था वो ऑरेंज के बारे में। They realize that everyone is important in her or his own way. जितने भी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ तो importance है। They were sorry for being rude to Orange and for what they had said to him. अब बोल लो दोनों को फील हो गया अंदर से, यार हमने गलत किया ना, चलना ऑरेंज को मनाते हैं, चलना चलना चलना। अरे वो दोनों ऑरेंज को मनाने गए, सॉरी कहा। Without Orange they were not a team. ऑरेंज के बिना तो वो टीम कहलाएगी नहीं, तीनों की टीम ही होनी चाहिए ट्रैफिक लाइट्स में। They could not work by themselves and now Orange was not working because of them. अब तीनों साथ में काम करेंगे तो ही ट्रैफिक को संभाल पाएंगे, अब ये दोनों तो कुछ नहीं कर सकते because Orange उनके साथ थी नहीं। फिर क्या हुआ, and Orange he was thrilled to hear the police officer's words. ये क्या बोल रहा है, इतना importance है मेरा और ये लोग importance समझ ही नहीं रहे मेरा, बोलो। He was so happy, he wanted to sing and dance. उसकी तारीफ सुन के Orange Light क्या करने लगा, खुश हो गया, गाने लगा, डांस करने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। विदाउट मी द पुलिस ऑफिसर विल नॉट ऑपरेट द लाइट्स, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो यूजफुल। मर्मर्ड, मर्मर्ड का मतलब मन में ही मन में गुनगुनाना, मन में ही बबड़ना, हम खुद को ही सुनाते हैं, उसे कहते हैं मर्मर। और यहाँ पर पास फॉर्म में लिखा है मर्मर्ड। सो वो बोलता रहा यार यस यस मैं तो यूजफुल हूँ, ट्रैफिक ऑफिसर ने बोल दिया है, अब उनको मैं सुनाऊंगा रात को। रेड एंड ग्रीन हर्ड हिम एंड फेल्ट दैट हिज वर्क वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों ने सुन लिया किसने, रेड और ग्रीन ने, अब उनको तो फील हो चुका था कि भाई उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हमारा है।
वी आर सॉरी ऑरेंज, किसने कहा, रेड एंड ग्रीन ने साथ में, वी रियली नीड यू, हमें माफ कर दे ऑरेंज, हमें माफ कर दे, हम सॉरी बोलते हैं तुझे, आजा हमारी टीम में। देन ऑरेंज हग देम एंड सेड वी आर फ्रेंड्स, ऑरेंज ने यूं चपाक करके रेड और ग्रीन को पकड़ लिया, दबोच लिया दोस्त की तरह, और बोला यार कोई नहीं बात, चल कोई नहीं, एक दिन का तो मामला था, चलो चलो साथ में काम करते हैं क्योंकि हम तो फ्रेंड्स हैं। दैट इवनिंग व्हेन द पुलिस ऑफिसर स्विच ऑन द लाइट्स, ऑरेंज वॉज वेरी चीयरफुल एंड एक्साइटेड, ही ग्लोड इवन ब्राइटर देन बिफोर। उसी शाम को जब पुलिस ऑफिसर ने लाइट्स को चेक करने के लिए स्विच ऑन किया, ऑरेंज लाइट किया, एकदम चीयरफुल एंड एक्साइटेड, एकदम खुशी के मारे ग्लो कर रही थी, सबसे ज्यादा चमक रही थी। द थ्री लाइट्स वर्कड वेल टुगेदर आफ्टर एवर, उसके बाद कभी भी कोई भी लाइट्स में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनके बीच में झगड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तीनों ने अपना इंपॉर्टेंस समझ लिया था कि टीम में काम करेंगे तो ट्रैफिक को कंट्रोल में कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी अबाउट ट्रैफिक लाइट्स? होप आप भी जब क्लास में होते हो तो हर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके पास कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी या हैबिट होती है उसके अंदर। सो कुछ की वर्ड्स है यहाँ पर, क्रॉस रोड, जहाँ पर वो पता है जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं। कंट्रोल का मतलब है, इसमें लिखा है द पावर टू मेक पीपल और थिंग्स टू डू वॉट यू वॉन्ट, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो। स्विच ऑन मतलब है कोई चीज़ को हम बटन दबाते हैं तो वो स्विच ऑन होता है, फिर वापस बटन दबाते हैं स्विच ऑफ होता है। अलाउ का मतलब है किसी को परमिशन देना, परमिट देना। स्विच ऑन और उसका ऑपोजिट स्विच ऑफ, किसी को बंद करना तो स्विच ऑफ, आप घर में करते हो ना, वही वाला। पजल्ड का मतलब कंफ्यूज, अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं जो आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मोक किसी का मजाक उड़ाना। यूजलेस ऑफ नो यूज, अगर कोई चीज काम की नहीं है, जैसे कि आपका मोबाइल गिर गया, टूट गया, पानी में गिर गया, आपको काम का नहीं है तो वो यूजलेस हो गया, जब तक चल रहा था तब तक काम कर रहा। नेक्स्ट वर्ड है मिसरेबल, मतलब अनहैप्पी, ना खुश। क्योस नॉट इन ऑर्डर, जब लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, ऑलवेज क्योस होता है, प्रॉब्लम्स ही होती है। हॉल्ट का मतलब है रुकना, आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तो पता है बीच में एक हॉल्ट लेते हो, रुकते हो चाय नाश्ता करने के लिए या तो वॉशरूम जाने के लिए, उसे हॉल्ट कहते हैं। सडनली का मतलब है अचानक। पेडेस्ट्रियन का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया, जो रोड पे चलते हैं या जो पैदल चलते हैं उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। हॉन्की मतलब हॉर्न दबाते रहने का। स्कीड मतलब फिसल जाना। नेस्टी मतलब एकदम गंदा, नहीं अच्छा। रूड मतलब बहुत ही गंदा बिहेवियर। थ्रिल का मतलब है स्ट्रॉन्ग एक्साइटेड फील करना। एंड मर्मर मतलब स्पीक इन अ लो क्वाइट वॉइस, जो खुद को ही सुनाई दे, बाजू वाले को भी नहीं, उसे कहते हैं हम मर्मर। सो ये थे वर्ड मीनिंग्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी पे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 4। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा। हाउ डिड रेड ऑरेंज एंड ग्रीन हैव ग्रेट फन टुगेदर, रेड ग्रीन एंड हैव फन टुगेदर बाई वर्किंग, एज रेड वॉज स्टॉपिंग द व्हीकल्स, ऑरेंज वॉज टेलिंग देम टू वेट एंड ग्रीन वॉज गिविंग द ग्रीन सिग्नल टू लेट देम गो। सो एक रोकता था, एक वेट करवाता था और तीसरा उनको जाने देता था, तीनों का काम साइमेंटेनियसली हो रहा था, दे वर हैविंग फन टुगेदर। सेकेंड बी, व्हाई डिड ऑरेंज फील हर्ट एंड मिसरेबल, अनहैप्पी क्यों हो गया था, बिकॉज रेड एंड ग्रीन टोल्ड हिम दैट यू आर यूजलेस, तू किसी काम का नहीं है, तो उसको तो हर्ट हो गया, दिल पे ले लिया उसने। सी व्हाट हैपेंड व्हेन ऑरेंज स्टॉप्ड वर्किंग, जब ऑरेंज ने स्टॉप कर दिया वर्किंग, देयर वाज अ क्योस ऑन द रोड, पुलिस ऑफिसर वाज नॉट गेटिंग दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, समवन स्लिप्ड, द काउज वर ऑन द रोड च्यूइंग द कर्ड, राइट, पूरा रोड बिजी हो गया था, क्योस हो गया था, हॉन्किंग हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑरेंज वाज नॉट वर्किंग। डी व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर से व्हेन ही सॉ द ऑरेंज वाज नॉट वर्किंग, when the orange was not working the police officer said that oh that's why that kiosk is there because orange light is not working as orange is also important in traffic lights। E what do you think red and green felt when they heard the police officer's word? According to me, when police officer's word heard by the red and green, they felt sorry and they went to orange and said, sorry orange, we made a mistake, we didn't understand your importance, so please, we are begging you, please be our friend and be with us। मतलब sorry manga, दोस्ती वापस कर ली, उसका importance समझ में आ गया और वापस वो लोग दोस्त बन गए। तो बच्चों ये थे question answers, you can write your question answers according to your school teacher। एक्टिविटी 5 जो आज की हमारी लास्ट एक्टिविटी रहेगी, फिर 6-10 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी 5 में लिखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट देम इन एप्रोप्रिएट बॉक्स, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक प्लस जैम,
स्मूथ ट्रैफिक, ट्रैफिक जाम मतलब एकदम भीड़ वाला ट्रैफिक, स्मूथ ट्रैफिक मतलब कम व्हीकल्स, व्हीकल्स फॉलो सिग्नल्स, जब सिग्नल्स चलते हैं तो व्हीकल उनको फॉलो करते हैं, कियोस्क मतलब भारी भरकम भीड़, पीपल क्रॉस द रोड ईजीली मतलब लोग आसानी से रोड क्रॉस कर रहे हैं, पीपल गेटिंग कन्फ्यूज जब गाड़ियाँ सब मिक्स हो जाती है, क्योस हो जाता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से रास्ते से मैं क्रॉस करूँ रोड को, हॉन्की मतलब कंटिन्यूसली हॉर्न दबाते रहने का, एंड एक्सीडेंट्स मतलब आपको पता ही है बैटल। यहाँ पर नीचे एक्टिविटी में एक्चुअली करना क्या है चलो देखते हैं, लिखा है यहाँ पर एड मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच बॉक्स व्हेन ऑल द थ्री लाइट्स वर्क प्रॉपरली, तो ट्रैफिक स्मूथ रहता है, व्हीकल्स सिग्नल्स को फॉलो भी करते हैं और रोड लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कियोस हो जाएगा, पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग हॉर्न बजाएंगे और एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, आपका और मेरा भी हो सकता है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो जरूर करिए।